जुलाई महीने में अजीत पवार की मौजूदगी में एनसीपी में बड़ी बगावत हुई और एनसीपी दो गुटों में बट गई। चाचा भतीजे अलग हो गए और इसके बाद अजीत पवार एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए। हालांकि अजीत पवार अकेले नहीं, अपने साथ कुल 9 विधायकों को लेकर गए, जहां पर एकनाथ शिंदे की सरकार में उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। लेकिन अब जो शरद पवार ने बयान दिया है, उसे लगता है कि अजीत पवार घर वापसी कर सकते हैं। महाराष्ट्र की सरकार में जब से अजीत पवार की एंट्री हुई, तब से क्यासों का बाजार गर्म हो चुका है। चाचा शरद पवार भी भतीजे अजीत पवार को लेकर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि शरद पवार ने अपने बयान में क्या कहा। उन्होंने कहा कि अजीत पवार हमारे नेता हैं और एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी में फूट कैसे पड़ती है, ऐसा तब होता है जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा समूह पार्टी से अलग हो जाता है, लेकिन आज एनसीपी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया है, लेकिन इसे फूट नहीं कहा जा सकता।